हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी जायका। तो आज मैं बना रही हूँ नान खटाई। पहले भी बता चुकी हूँ आपको मैं, तो थोड़ा सा ये कलरफुल बना रही हूँ मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इलायची, 5 इलायची पाउडर ली हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच सूजी, इसको रवा भी कहते हैं, और 100 ग्राम घी ली हूँ। घी की जगह आप बटर और डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। 150 ग्राम मैदा, 100 ग्राम शुगर पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर लूँगी मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं घी डाली हूँ और थोड़ी सी घी निकाली हूँ, अगर बाद में कम करेंगे तो और इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुगर पाउडर ऐड कर लेंगे। मीठा कितना खाते हैं आप उसके हिसाब से आप शुगर पाउडर ऐड करो। चलो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अभी इसमें मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी। आधा चम्मच और थोड़ी सी घी ऐड कर लेती हूँ और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ, अभी इसमें मैदा मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैं हाथ का इस्तेमाल करूँगी। बाहर दिवाली के फटाके फूट रही हैं जैसे कि आप सुन सकते हैं। चलिए इलायची पाउडर मिक्स कर लेती हूँ और ये अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सारा। और इसको ज़्यादा ज़ोर से मसलना नहीं है, आराम से इसको गूंदना है। चलिए जो वो भी घी बची हुई वो भी ऐड कर लेती हूँ मैं और हल्के हल्के से गूंदना है आटे को। इसमें थोड़ा सा हल्का सा 2 चम्मच छोटे चम्मच से दूध ऐड कर लेती हूँ मैं। लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो बस हो गया, काफ़ी हो गया। मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ इसमें। चलिए अपना ये आटा तैयार हो गया है नान खटाई का। अब थोड़ा सा अलग अलग करके मैं कलर ऐड कर लेती हूँ। चलिए थोड़ा थोड़ा सा आटा मैं अलग से निकाल लेती हूँ कलर ऐड करने के लिए। कुछ कलरफुल दिवाली में अच्छा लगता है नान खटाई बनाने के लिए। यहाँ पर मैं जो केक में यूज़ करते वही कलर यूज़ कर रही हूँ, ये ब्लू कलर है। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ब्लू कलर हो गया है, तो इसी तरीके से और एक मैं पिंक कलर डाल के वो भी थोड़ा सा पिंक कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर 3 कलर हो चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ पर पतीला रख चुकी हूँ मैं फ्रीड करने के लिए और इस तरीके से रिंग रखी हूँ। चाहे तो आप नमक डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते, जब तक हम लोग वो बनाने तक नान खटाई ये फ्रीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा प्लेट को मैं घी लगा लेती हूँ, इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये हो चुका है, तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर सेब जैसे आपकी मर्जी उस तरीके से आप बना सकते हो। आप इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, मैं इसके अंदर टूटी फूटी डाल रही हूँ, जैसे आपकी मर्जी जो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर कलरफुल नान खटाई अपनी तैयार है। तो चलिए इसको अभी पतीले में हम लोग रख लेंगे। तो अभी इसमें रख चुकी हूँ, 10 मिनट के बाद में चेक करेंगे इसको, फिर उसके बाद में छोड़ दें और 5 मिनट के लिए। तो चलिए इसको भी मैं ढक लेती हूँ। तो अभी इसको ढक चुकी हूँ मैं, देखेंगे 10 मिनट के बाद में। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा हल्का सा ब्राउन कलर आने के बाद में बंद कर देना है। तो और इसको 5 से 6 मिनट छोड़ देती हूँ, उसके बाद में गैस बंद कर लेती हूँ। तो यहाँ पर नान खटाई तैयार है हमारी। तो इसको पूरा ठंडा होने के बाद में इसको नान खटाई प्लेट से अलग करना है। अभी गरम गरम अलग करेंगे तो सारी नान खटाई टूट जाती है, इसके लिए नान खटाई को पूरा ठंडा होने के बाद में ही निकालना है। पहले भी आपको मैं बताई OTG में कैसा बनाना है। अगर आप OTG में बनाना चाहते तो 160 डिग्री पे रख दीजिए 12 मिनट के लिए, सिर्फ 12 मिनट के लिए। पहला 10 मिनट फ्री हीट करना है, उसके बाद में 180 डिग्री पे सिर्फ 12 मिनट के लिए रखना है। तो उसमें भी नान खटाई बहुत ही अच्छी बनती है। तो जिसके पास OTG नहीं, इसके लिए मैं पतीली में बताई हूँ कैसा बनाना है। चलिए इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ मैं। तो देख लिया आपने कलरफुल नान खटाई कैसा बनाना है, ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे आप, बहुत ही डिलीशियस टेस्टी बनती है। तो देखते रहिए देसी जायका, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली की शुभकामनाएँ। शुक्रिया।